हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू नवनीत। सो ओके, देर आर अदर पीपल ऑल्सो चाहिए वही एट टू कम। सो फाइन, यू नो, लेट्स कीप दिस सेशन यू नो क्वाइट प्रैक्टिकल एंड क्वाइट यू नो फुल ऑफ यू नो प्रैक्टिकल रियल लाइफ इंसाइट्स, स्पेशली वेन यू नो द वर्चुअल प्रेजेंस इज समवेयर विच इज एट द टॉप राइट नाउ फ्रॉम द टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट। You do not have to be present, you know, in any country now, you all know that. And in the past sessions also, I have placed a lot of stress upon the digital economy, the cross-border tax structuring in the case of, you know, digital world. And the last session which I took on G7 tax proposal, in which, you know, I think most of you were already there. So royalties is the today's session all about. Why have I taken royalties? So, you know, royalties is all about intellectual property. Whenever we talk of virtual presence, whenever we talk of any, you know, presence which is either physical or virtual, there comes the intellectual properties. What are the intellectual properties which are directly linked to royalties? Because royalty is nothing. When a company rents out or simply lets out their intellectual properties to another country, they have to pay some payments. Those payments are characterized as royalty payments. So in the domestic law, when I talk of international taxation, you do not say Indian Income Tax Act, or you do not say TDS and all, because they are the terms which are Indian terms. If you are actually interacting with a foreign client, or you're working on a foreign MNC tax query or an advisory or any sort of a simple question, when it's all about. So who has started recording this? So I started so that I could see after it. Oh, okay. But you know, you should have asked first before you know recording it, because I think the prior consent is very much needed. So fine. Otherwise, I should. that's okay. So otherwise, I would have you know give shared the presentations with you already. I'll share the presentation. So right. So I was on royalty payments, intellectual properties, you know, Indian terms. So I'll talk domestic law of India. I'll say section 91VI. So 916 नहीं पढ़ते उसको, 91VI बोलते हैं उसको. ये मैंने गिरीश आहूजा सर से सीखा था, जो कि टैक्स गुरु हैं अपने आप में. 91VI बोलते हैं. तो मैं जब भी बोलूंगा कि रॉयल्टी इज इन 91VI, तो वो डोमेस्टिक टैक्स लॉ बोलूंगा. डोमेस्टिक टैक्स लॉ इज नथिंग फ्रॉम द इंडियन परस्पेक्टिव, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट. और मैं TDS नहीं बोलूंगा, आई विल यूज द वर्ड विद होल्डिंग, बिकॉज दीज आर द टर्म्स विच आर अंडरस्टैंडेबल इन द इंटरनेशनल टैक्सेशन एरिया. सो नाउ रॉयल्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डोमेस्टिक लॉ में आया कब, क्या जरूरत पड़ गई लाने की? रॉयल्टी ना लाते, सिंपली उसकी इनकम को बिजनेस इनकम मान लेते, उस पे फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40% लगा देते, रॉयल्टी को अलग से लाने की क्या जरूरत थी? इसका सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. आपने नोटिस किया होगा, आई थिंक मैंने ये डिस्कस किया भी था अपने पिछले सेशंस में, एंड आई विल रीइटरेट माई सेल्फ. और अगर नहीं भी किया होगा तो इट वॉज इट्स अ न्यूज ऑल ओवर इकोनॉमिक टाइम्स में, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन आ रही थी एक डेढ़ हफ्ता पहले से, कि इंडिया ने सबसे बड़ा FDI रिसीव किया है पैंडेमिक के बावजूद, फाइनेंशियली 2021 में. सो इंडिया ने अगर सबसे बड़ा FDI रिसीव किया है, तो मतलब कि फॉरेन कंपनीज ने
यहाँ पे पैसा दिया है, उन्हें इक्विटी शेयर्स मिले, ठीक है, उन्हें इक्विटी शेयर्स मिले, और अगर इक्विटी शेयर्स उन्हें मिले हैं तो वो बदले में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट है तो उन्हें कुछ ना कुछ फंड्स रिपैट्रिएट करने होंगे एज अ रिटर्न। तो अगर हम सब्सिडरी को पैसे देते हैं तो सब्सिडरी को एज अ रिटर्न तो हमें देना पड़ेगा, तो हो सकता है कि हम रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में ना दें क्योंकि वो टैक्स लग जाएगा उस पर इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, और नॉन रेजिडेंट के हाथ में तो 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस लगता है, तो हो सकता है हम इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टीज रिपैट्रिएट कर दें बाहर पैसा। तो यहाँ पर रॉयल्टी की इंपॉर्टेंस आ जाती है। अब रॉयल्टी तभी होगी अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया में ली होगी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे बड़ा और बेसिक एग्जाम्पल कॉपीराइट। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है, हम डिस्कस करेंगे, आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन आल्सो। फिर उसके बाद क्या आता है रॉयल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में, कॉपीराइट आ गया, फिर आ गया आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, फिर आपका सबसे बेसिक पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, किसी ने भी कोई चीज़ इन्वेंट करी है उस इन्वेंशन को पब्लिक डोमेन में रिलीज करने के लिए वो जो इन्वेंटर है वो अपने नाम पे पेटेंट ले लेता है कि कोई और इस इन्वेंशन को कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। प्लीज नोट माय वर्ड्स, कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको रॉयल्टी की टैक्सेशन में इन दिस डिजिटल वर्ल्ड और इन द ट्रेडिशनल वर्ल्ड आपको आने चाहिए। व्हेन आई टॉक ऑफ ट्रेडिशनल वर्ल्ड मतलब मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप, व्हेन आई टॉक ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड मतलब प्योरली टेक्नोलॉजी, प्योरली सर्विसेज विच आर टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड, प्योरली क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस मॉडल्स, प्योरली ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। तो अभी हम सब देखने वाले हैं। तो रॉयल्टी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में डोमेस्टिक लॉ में 1976 में आया था। सो 1976 के बाद सेक्शन 91VI आया, और 91VI में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी एडिशंस होती गई, एक्सप्लेनेशंस डलती चली गई। आपको याद होगा डोमेस्टिक इनकम टैक्स लॉ में मोस्टली डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है। अगर आपको कुछ भी चीज देखनी है कि इसका क्या मतलब है तो आप सेक्शन 2 में जाते हो डोमेस्टिक लॉ के, पर रॉयल्टी आप सेक्शन 2 में नहीं ढूंढ सकते, आपको रॉयल्टी मिलेगी ही नहीं सेक्शन 2 के अंदर, आप चेक करके देख लीजिए बेशक। आपको उसके लिए 91VI में आना पड़ेगा। 91VI में भी आपको एक्सप्लेनेशन 2 में जाना पड़ेगा, वहां पे लिखा है रॉयल्टी मींस कंसिडरेशन इंक्लूडिंग लमसम कंसिडरेशन इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस फॉर द यूज और राइट टू यूज एनी कॉपीराइट डैश 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 चलती रहती है, फिर एक्सप्लेनेशन 3, 4, 5 नीचे तक चलती हैं। इनका बैकग्राउंड अभी आपने देखा होगा, मैं अभी एक बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू इज एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू कंप्लीटली रैप अप द बैकग्राउंड अराउंड यू गाइज, सो दैट आपको पता लगे कि हमारी प्रेजेंटेशन किस सीक्वेंस में मूव करेगी और व्हाट आर द एक्चुअली पेक्यूलियर इश्यूज राइट नाउ, इंडस्ट्री इश्यूज क्या हैं, आपके रोजमर्रा के इश्यूज क्या हैं वो सब। अब अगर एक्सप्लेनेशन 4, 5, 3 आ गई फाइनेंस एक्ट 2012 से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कब से होती है, मैं अगर ये बोलूं कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का कोई भी अगर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होती है तो इनकम टैक्स एक्ट जब से बना है तब से होती है, ये गलत है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एक प्रोविजन के अंदर होती है, जैसे इनडायरेक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन आया था कैपिटल गेन्स में वो वोडाफोन केस के बाद, वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन एक पर्टिकुलर डेट से था कि हाँ इस डेट से ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी। अब हाँ वो 1961 से ही एप्लीकेबल हो गया था, बट रॉयल्टी के केस में एक्सप्लेनेशन 3, 4, 5 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, आपकी सैटेलाइट ट्रांसमिशन ट्रांसपोंडर्स ये सब एक्सप्लेनेशंस आपकी जुड़ी थी, पोजेशन कंट्रोल उसमें डाला गया, ये सब उसमें डाला गया फाइनेंस एक्ट 2012 से 1976 से इफेक्ट देते हुए, 1961 से नहीं। क्यों 1976 से, क्योंकि 91VI का जो प्रोविजन था वो 1976 में ही आया था। ये चीज आपको एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी आई है, इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 103 अपील्स थी, जिसमें हेवलेट पैकवर्ड जैसी कंपनीज थी, सैमसंग इंडिया थी, जी इंडिया थी, सारी टेक्नोलॉजी जायंट्स थी आपकी सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि अगर एक नॉन रेजिडेंट से इंडियन रेजिडेंट ने सॉफ्टवेयर खरीदा है तो क्या वो सॉफ्टवेयर की जो पेमेंट उसने करी है वो रॉयल्टी है, और अगर वो रॉयल्टी है तो उस पर कॉन्सिक्वेंट विदहोल्डिंग होगी 195 के अंदर।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया आज तक की सारी एडवांस रूलिंग्स को, आज तक की सारी जजमेंट्स को, ये कहते हुए कि अगर हम सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और उसके लिए कोई भी पेमेंट इंडियन पार्टी नॉन रेजिडेंट पार्टी को देती है तो वो रॉयल्टी नहीं ट्रीट होगी। अब इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि अब तक जब हम रॉयल्टी मान रहे थे 2001 से लेके 2020 तक, 20 सालों तक हम सॉफ्टवेयर की पेमेंट्स को रॉयल्टी मानते चले गए, बिकॉज सॉफ्टवेयर का चलन कब शुरू हुआ? अर्ली 2000s में शुरू हुआ, उससे पहले तो 1980s में तो इंडिया ने कंप्यूटर ही देखा था पहली बार, तो रॉयल्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। और 1976 में रॉयल्टी का प्रोविजन आया था, तो 1976 के रॉयल्टी के प्रोविजन में उन्होंने कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब सोचा ही नहीं था। वो उस तरीके के बिजनेस मॉडल्स थे, खाली पेटेंट कॉपीराइट की बात करते थे उस टाइम। तो अब क्या हुआ, 2000 से 2020-21 तक सारी सॉफ्टवेयर को ट्राइब्यूनल रॉयल्टी मानता चला गया, हाई कोर्ट रॉयल्टी मानता चला गया, आपके सारे के सारे रॉयल्टी, कुछ जजमेंट्स फेवर में भी आई टैक्सपेयर के जहां पे रॉयल्टी नहीं मानी गई। बट अब इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड की जजमेंट की वजह से वो रॉयल्टी नहीं मानी जाएगी। अब वो किन किन बेसिस पे रॉयल्टी नहीं मानी जाएगी ये सब हम डिस्कस करेंगे। आपको एक सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, कभी भी आपको ये देखना हो कि कोई भी चीज रॉयल्टी है या रॉयल्टी नहीं है, आपको लाइसेंस अग्रीमेंट चेक करना चाहिए। और अगर आप लाइसेंस अग्रीमेंट चेक करेंगे तो लाइसेंस अग्रीमेंट आप सबसे पहले क्लाइंट से मांगेंगे, क्लाइंट को बोलेंगे कि आप सबसे पहले हमें एक ब्रीफ नोट दो कि ट्रांजैक्शन क्या है, आप पेमेंट तो कर रहे हो, आप हमें उसके बाद एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट शेयर करो। लाइसेंसिंग अग्रीमेंट में क्या होता है, राइट्स लिखे होते हैं कि अगर ये दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है तो इसमें राइट्स कौन कौन से मिल रहे हैं। और राइट्स अगर हमें पता है कि नॉन एक्सक्लूसिव है, नॉन ट्रांसफरेबल है, हम राइट्स को कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, सेक्शन 14 है एक कॉपीराइट एक्ट का, आपको पता है कि कॉपीराइट एक बहुत बड़ी चीज है रॉयल्टी को डिटर्मिन करने के लिए। उसमें हम इंडियन इनकम टैक्स एक्ट को नहीं देखते, उसमें हम कॉपीराइट एक्ट में जाते हैं, बिकॉज इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में कॉपीराइट डिफाइंड ही नहीं है। तो कॉपीराइट इज बीन डिफाइंड इन इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, सेक्शन 14 इंडियन कॉपीराइट एक्ट का है। वो बोलता है कि अगर ये कुछ एक्टिविटीज होंगी, सेक्शन 14 में लिखी है, मैं आपको बताऊंगा, ये कुछ एक्टिविटीज होंगी, अगर ये एक्टिविटीज आपकी हैं तो मान लो कि आप कॉपीराइट ट्रांसफर कर चुके हो। और माइंड यू, अगर आपने कॉपीराइट ट्रांसफर कर दिया है तो आप रॉयल्टी की डेफिनेशन में फॉल कर जाओगे, आपकी पेमेंट रॉयल्टी में कैरेक्टराइज हो जाएगी। और सर, पेमेंट अगर रॉयल्टी में कैरेक्टराइज हो गई तो उसके बाद क्या होगा? अगर मान लो कि आपकी पेमेंट रॉयल्टी में कैरेक्टराइज हो गई, खत्म बात, आप फिर उसके बाद ट्रीटी में जाओगे। ट्रीटी भी आपको देखना है किस कंट्री के साथ आप पढ़ रहे हो। अगर आप यूएस की ट्रीटी पढ़ रहे हो तो उसमें एक अलग ही तरीके का आर्टिकल 12(2) है जो बोलता है कि डेफर्ड कंसिडरेशंस भी अगर हैं, अगर मान लो कि आप बाहर की कंपनी हो, मैं इंडियन कंपनी हूं, आपने मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेंट आउट करी है, मैं आपको बोलूंगा मैं आपको पहले दिन से रेंट नहीं देना शुरू कर दूंगा जस्ट बिकॉज आपने मेरे को रेंट पे दे दी और मैंने आपसे अग्रीमेंट साइन कर लिया है, मैं आपको तभी ये रेंट पे दूंगा जब मैं इससे कुछ प्रोडक्टिविटी निकाल पाऊंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। मैं अगर प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाया तो अगर मैं जिस दिन से इसे कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना शुरू करूंगा तब मैं आपको रॉयल्टी देना शुरू करूंगा, तो भी वो रॉयल्टी में टैक्स हो जाती है इंडिया यूएस डीटीडब्ल्यूए में। और हर डीटीडब्ल्यूए में नहीं है, अगर आप इंडिया स्वीडन डीटीडब्ल्यूए पढ़ोगे तो कॉन्टेंजेंट आईपी कंसिडरेशन वहां कवर नहीं होती। कनाडा के साथ डीटीडब्ल्यूए पढ़ोगे उसमें कॉन्टेंजेंट आईपी कंसिडरेशन कवर होती। फिर ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन अलग चीज है और यूएन मॉडल कन्वेंशन अलग चीज है। ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन में इक्विपमेंट रॉयल्टी के बारे में एक अलग ही चीज कही हुई है कि हम इक्विपमेंट रॉयल्टी को कंसिडर ही नहीं करते, यूएन मॉडल कन्वेंशन अभी तक उसको कंसिडर करता है। इक्विपमेंट रॉयल्टी क्या होती है आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये सारी रॉयल्टी के आसपास घूमती हुई चीजें हैं। आपको एक वर्ड अपने साथ हमेशा रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जहां पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेट आउट होगी सबसे पहले माइंड में रॉयल्टी की घंटी बजनी चाहिए कि क्या ये पेमेंट रॉयल्टी में तो कैरेक्टराइज नहीं हो सकती। अभी रॉयल्टी में कैरेक्टराइज होगी तो अब क्या करेंगे, अब आप विदहोल्डिंग करोगे, विदहोल्डिंग ऑब्लिगेशन आ गई आपके ऊपर इंडियन पार्टी के ऊपर। और विदहोल्डिंग ऑब्लिगेशन आ गई, नॉन रेजिडेंट को करना है तो सबको पता है सेक्शन 195, सेक्शन 195 में रेट्स इन फोर्स लिखे हैं। सेक्शन 195 में कोई रेट नहीं लिखा है इंटरेस्टिंगली, आपको सेक्शन 195 में आज तक किसी पेमेंट का रेट मिला है? आज तक नहीं मिला होगा, वो है ही नहीं। वो बोलता है कि आप डिडक्ट कर लो एट द रेट्स इन फोर्स। अब रेट्स इन फोर्स वो फाइनेंस एक्ट के पार्ट टू ऑफ शेड्यूल वन में होते हैं, रॉयल्टी के केस में 10% है। तो अगर आपको रॉयल्टी पे विदहोल्डिंग करनी है तो आप 10% पे कर लोगे।
अगर कभी कभी वो बोलता है कि रॉयल्टी में फॉल नहीं कर रहा, तो आपका सबसे अगला ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि क्या ये बिजनेस इनकम में फॉल कर सकता है? अगर ये बिजनेस इनकम में फॉल कर रहा है तो देखो कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो आप आर्टिकल 7 में इंडिया को कोई प्रॉफिट एट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते, बिकॉज फंडा यही होता है कि अगर आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन गई तो आपको हम एक फॉरेन कंपनी मान लेते हैं। फॉरेन कंपनी के ऊपर 40% टैक्स रेट लगता है प्लस सरचार्ज प्लस सेस। तो आपसे कोई भी पूछे कि पी बनने के बाद आपकी कितने इनकम पर टैक्स लगेगा, तो आप सिंपल बोलोगे अगर मैं पी बन गया तो मेरे पे 40% प्लस सरचार्ज प्लस सेस लगेगा और मेरे पे फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट लगेगा, मतलब 40% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। ठीक है, अगर किस इनकम पे लगेगा, पूरी इनकम पे तब भी नहीं लगेगा, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशंस इन इंडिया उसी पे टैक्स लगेगा। हालांकि ये मैंने आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बता दिया, अगर आप इंटरनेशनल टैक्स के किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि अगर पी बन गया तो व्हाट इज द टैक्स रेट और आपकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, तो उस पे एक आंसर ये है जो मैंने आपको बताया। बिजनेस इनकम नहीं है या है तो पी चेक करो, पी नहीं है तो टैक्स जीरो, नो विदहोल्डिंग, नॉट टैक्सेबल। फॉर्म 15 सी ए पार्ट डी भर के बैंकर में जो बैंकर को जमा कराओ, बैंक की डिटेल डालो, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर दो। आओ देखते हैं और भी डीप जाके पेक्यूलर जो भी नुएंसेस हैं, पेक्यूलियरिटीज हैं रॉयल्टी टैक्सेशन की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम मैंने आखिरी के 10 से 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए ब्लॉक करे हुए। एंड प्लीज कंफर्म व्हेन माय स्क्रीन विल बिकम विजिबल टू यू। Okay, got your message. Thank you. I'm so sorry, actually just a minute please, I'm trying ki I should give you the best experience from the presentation, so I'll better open my PowerPoint for the same. So we'll also discuss case studies as well as promised, and you know I'll try to get the answers from you after explaining the entire context. I'll try to get the answers from you only ki hame isko actually mein tackle kya karna hai and hamari approach kya rehni chahiye whenever we are actually working on the royalty thing. Is it visible? Great. So, I have already told you why royalties, you know, it's since 1976, technological transfers hain, FDI is there, and you know, one of the modes ki agar hum technology ko transfer kar rahe ho from the developed country to a developing country is through licenses. आप लाइसेंस करो, आप लाइसेंस लेके आओगे तभी आप लाइसेंस, अगर आप ट्रांसफ़र करोगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे थ्रू लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स तो आपकी रॉयल्टी अराइज हो सकती है। और आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि आप एक नेट इम्पोर्टर कंट्री हो, इंडिया इज़ अ नेट इम्पोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना कि रॉयल्टीज डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएंगी, आप देखा जाओ तो सेक्शन 9(1)(VI) क्या है? सेक्शन 9 इज इनकम्स विच आर डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो अगर 9(1)(VI) में
हम ये बोलते हैं कि रॉयल्टी इनकम क्लासिफाई हो रही है, कैरेक्टराइज हो रही है, तो सबसे पहले तो हम उसको डीम टू अक्रू होराइज इन इंडिया मान रहे हैं ना। तो डीम टू अक्रू होराइज इन इंडिया को बोल रहे हैं कि हम सोर्स रूल लगा रहे हैं कि आपकी रॉयल्टी इनकम यहाँ से अराइज हो रही है, सोर्स आपका यहाँ पे है, तो इसलिए हम आपको ये मान रहे हैं कि जो नॉन रेजिडेंट की इनकम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेट आउट करने के बाद, अपने लाइसेंस हमें लाइसेंस ग्रांट करने के बाद टू यूज सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, दैट इज वाई इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो सबसे पहले सोर्स रूल लगता है, सोर्स रूल इसलिए लगता है बिकॉज इंडिया इज दी नेट इम्पोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एट द मोमेंट, बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। जब वो 1976 में लेके आए थे तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री के फेज में था, अभी भी समवॉट डेवलपिंग है बट उसमें उस फेज में ज्यादा था, तो उन्होंने कहा था कि हमें टैक्स की ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे सोर्स रूल लग गया। सोर्स रूल इंडिया ने लगाया इसलिए बिकॉज हमें उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से ज्यादा टैक्स की, फेयर शेयर ऑफ टैक्स की जरूरत थी फॉर द डेवलपमेंट पर्पजेस। सो दिस इज इंटायरली अ साइड स्लाइड विच इज एक्चुअली ऑल अबाउट द बैकग्राउंड, रॉयल्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। यहाँ पे एक मेन चीज इंपॉर्टेंट है, राइट, कि अगर आपको राइट टू यूज मिलना चाहिए तो वो हम आगे देखेंगे। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और रॉयल्टीज के बीच में कनेक्शन क्या है? अगर मान लो मैंने आपको बोला रॉयल्टी है तो हम उसको 10% सेक्शन 115A में ऑफ द डोमेस्टिक लॉ, नहीं तो उसको हम ट्रीटी रेट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल लगाते हैं। अगर मेरा इफेक्टिवली कनेक्टेड टू पीई है, तो अगर वो इफेक्टिवली कनेक्टेड टू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो आप उसको रॉयल्टी नहीं मानते, आप उसको बिजनेस इनकम मानते हो। बिजनेस इनकम मानने की वजह से आप पे कितना परसेंट टैक्स लगता है? 40%, 40% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। और किस इनकम पे? इनकम एट्रिब्यूटेबल टू इंडिया। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, सबको पता होगी बट इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, हो सकता है कि कभी कभार मिस हो जाती हो, तो जस्ट अ रिफ्रेशर डोज, DTAA के रेट्स हमेशा फ्लैट होते हैं। अगर आप DTAA को, DTAA में रॉयल्टी में 10% टैक्स दे रहे हो, डोमेस्टिक लॉ में भी 10% दे रहे हो, तो याद रखना DTAA के रेट में सिर्फ 10% लगता है, और अगर आप डोमेस्टिक लॉ में रेट ले रहे हो तो 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, याद रखना ये चीज। और हमेशा अगर आप DTAA का रेट भी लगाते हो तब भी नॉन रेजिडेंट को इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी होती है। रॉयल्टी की डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सेकेंडरी सोर्स रूल। मैं तो बोल रहा हूं हर अभी तक एग्जाम्पल में व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज कि रॉयल्टी यूज कौन कर रहा है? इंडियन रेजिडेंट यूज कर रहा है, इंडियन कंपनी यूज कर रही है अपनी पेरेंट कंपनी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लेके, लाइसेंसिंग लेके, बदले में रॉयल्टी पेमेंट्स दे रही है। सेकेंडरी सोर्स रूल मान लो कि इंडियन पार्टी यूज नहीं कर रही, मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मेरी पेरेंट कंपनी यूएसए में है, दूसरी उसकी सब्सिडरी यूरोप में है, मेरे यहां पे खाली प्रोडक्ट सेल होते हैं या फिर सर्विसेज रेंडर करती है यूरोपियन कंपनी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको लेट आउट करी है? यूएसए ने यूरोप को करी है, इंडिया ने तो इंडिया को तो नहीं करी। तो एट द प्राइम ऑफ एसी हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेरे को रॉयल्टी नहीं यहाँ पे टैक्सेबल होगी बिकॉज मेरे को तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं रेंट आउट करी। अब आप ये सोचो कि यूरोपियन कंपनी तो रॉयल्टी पेमेंट दे गई, नो डाउट ऑन दैट, क्या इंडियन गवर्नमेंट भी ये मान सकती है कि यूएसए की यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो हम जो भी इनकम इंडियन कस्टमर्स से अराइज हो रही है यूरोपियन कंपनी को और अल्टीमेटली यूएसए जा रही है उस पर हम रॉयल्टी ले लें? ऐसा नहीं हो सकता। ये बात याद रखना, इंडिया में कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट नहीं हो रही। अगर सिर्फ एक यूरोपियन कंपनी इंडियन कस्टमर्स को अपना गुड्स या सर्विसेज रेंडर कर रही है या गुड्स सेल कर रही है इंडियन कस्टमर्स को, दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ रॉयल्टी पेमेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आउटसाइड इंडिया है। यूरोपियन यूएसए कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आउटसाइड इंडिया। प्रोडक्ट कहां से बिक रहा है? यूरोप से। अगर मान लो कि यहां पे कोई सब्सिडरी होती इंडिया की, इंडिया में यूएसए की सब्सिडरी होती जस्ट लाइक यूरोप, तो अगर इंडियन सब्सिडरी कोई ट्रेडमार्क या फिर कोई लाइसेंस यूज कर रही होती तो हम क्या करते उस केस में? यहां पे रॉयल्टी पेमेंट्स टैक्सेबल हो जाती किस शेयर पे, किस वजह से, किसने पोर्शन पे, जितनी यहां पे इंडियन रेवेन्यू है, जितना टोटल टर्नओवर एट्रिब्यूटेबल टू इंडिया है उतने टर्नओवर पे हम रॉयल्टी दे देते। नेक्स्ट इज, मैंने आपको बताया रॉयल्टी इज नॉट डिफाइंड इन सेक्शन 2,
Guys, am I audible? Because I think electricity issue is there at my place right now. So maybe the Wi-Fi problem must be there, but I am not sure. Wi-Fi must be working. So please give me a heads up if you are able to, see the presentation clearly, if you're able to hear me. Great, great, great. Thank you. Thank you, Divyanshi, Ishani, and thank you, Jasleen. So royalty is not defined in section 2. But explanation 2 mein likha hai, royalty means. Hum sabko pata hai. कि अगर जहां पे मीन्स होता है तो वहां पे एग्जॉस्टिव कवरेज होती है, मतलब मीन्स के बाद जो भी टर्म है दोज ओनली टर्म्स विल बी कंसिडर्ड टू अराइव एट द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी. बट दिस इज नॉट द केस विद रॉयल्टी बिकॉज एक और सिमिलर प्रॉपर्टी वर्ड यूज करके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ. अगर आप एक्सप्लेनेशन 2 के बाद जाओगे ना 1, 2, 3, 4, 5 उसमें कुछ एक्टिविटीज मैंशन है, उसके अंदर लिखा है और सिमिलर प्रॉपर्टी. तो अगर और सिमिलर प्रॉपर्टी कर रहा है तो वो बहुत वाइड कवरेज कर देता है. तो ये जरूरी नहीं है कि मीन्स लिख दिया तो एग्जॉस्टिव कवरेज ही होगी, आपको और लिम्ब्स भी पढ़ने हैं सबसेक्शंस के, प्रोविजंस के. मैंने आपको बताया कि सेक्शन 91VI सोर्स रूल बेस्ड प्रोविजन है. सोर्स रूल बेस्ड प्रोविजन इसलिए है बिकॉज इंडिया नेट इंपोर्टर है टेक्नोलॉजी का. क्या क्या इसमें हम यूज करेंगे, क्या क्या राइट्स हम लेंगे? सबसे पहला पेटेंट, इन्वेंशंस, मॉडल्स, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस और ट्रेडमार्क. अगर मान लो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, एक सीक्रेट फॉर्मूला पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो क्या वो सीक्रेट एनीमोर रहा? क्या वो सीक्रेट है? दैट इज नॉट अ सीक्रेट. अगर मैं ट्रेडमार्क दे रहा हूं अपना, वो सीक्रेट नहीं होता. सीक्रेट फॉर्मूला इज पेप्सी की बनाने की रेसिपी, कोका कोला की बनाने की रेसिपी, की उनमें क्या क्या मिक्स, क्या क्या प्रोडक्ट मिक्स है, दैट्स अ सीक्रेट फॉर्मूला. ओके, तो सीक्रेट फॉर्मूला इज नथिंग जो आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो, ये ध्यान रखना. ट्रेडमार्क कभी भी सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता. प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस का मतलब वो है कि बेसिकली एक चीज करने की प्रोसेस है, स्टेप 1 से लेके स्टेप 4. अगर आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो आप अपने आउटकम तक नहीं पहुंच पाओगे. तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपको एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 नॉन रेजिडेंट एंटिटी बता देती है कि आपको ये स्टेप्स करने हैं. क्या हम उसको प्रोसेस में क्वालिफाई कर सकते हैं? हाँ, वो प्रोसेस में क्वालिफाई हो सकता है अगर वो चारों के चारों स्टेप जरूरी हैं अपने आउटकम तक जाने के लिए. अगर आप उनमें से एक स्टेप भी मिस करके अपने आउटकम तक जा सकते हो, वो प्रोसेस की डेफिनेशन में नहीं आता और वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आ सकता. एक इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इंसिडेंटल टू द मेन यूज. अगर मैं बोलता हूं कि मैंने ट्रेडमार्क दे दिया तो रॉयल्टी है, पक्का रॉयल्टी है, इट्स अ राइट टू यूज ट्रेडमार्क. मैं बोलता हूं कि मैंने ट्रेडमार्क नहीं दिया बट मैंने जो गुड्स बेचे हैं उन गुड्स को बेच ही तभी सकता हूं जब मैं अपना ट्रेडमार्क यूज करने का उसको राइट दे दूं इंडियन पार्टी को. क्या तब भी वो रॉयल्टी है? नहीं, इंसिडेंटल टू यूज वो रॉयल्टी में नहीं आएगा. ये याद रखना, इंसिडेंटल टू यूज पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है. एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जब हम ट्रीटी पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपको 91VI डोमेस्टिक लॉ बता रहा हूं. जब हम ट्रीटी पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें ना इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट बता रखा है. तो हमारे डोमेस्टिक लॉ ने क्या करा था कि इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट को अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट पार्टी अपना साइंटिफिक इक्विपमेंट देती है, कोई ऐसा टूल देती है जो कि साइंटिफिक है अपनी इंडियन सब्सिडरी को, तो उसको यूज करने की जो पेमेंट इंडियन पार्टी देती है उसको रॉयल्टी मान लेते हैं डोमेस्टिक लॉ में. क्या करा OECD मॉडल कन्वेंशन ने 1992 में अपडेट किया अपने मॉडल कन्वेंशन ट्रीटीज में और इक्विपमेंट रॉयल्टी हटा दिया. वो आज तक हटा हुआ है. UN मॉडल कन्वेंशन है, उसने आज तक अपने ट्रीटी कन्वेंशन में इक्विपमेंट रॉयल्टी लिखा हुआ है. OECD हटा चुका है, US मॉडल कन्वेंशन में नहीं है. तो तीन तरीके की मॉडल कन्वेंशन होती हैं. इंडिया किसको फॉलो करती है? इंडिया मोस्टली OECD मॉडल कन्वेंशन फॉलो करती है और कुछ कुछ जगह पे UN मॉडल कन्वेंशन भी फॉलो करती है. तो वी फॉलो अ मिक्स ऑफ OECD एंड UN बोथ. US मॉडल कन्वेंशन US में चलता है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये ट्रीटी के साथ हम पढ़ेंगे. अभी आप बस ये ध्यान रखना कि इक्विपमेंट रॉयल्टी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में है, ट्रीटी में नहीं है, क्योंकि OECD उसको 1992 में डिलीट कर चुका है. और इक्विपमेंट रॉयल्टी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 2001 में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में आई थी. रॉयल्टी OECD डिलीट कर दिया 1992 में, उसके 8 साल बाद इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में डाल दी. क्यों? क्योंकि ट्रीटी का बेनिफिट लेके इक्विपमेंट रॉयल्टी पे कोई टैक्स ही नहीं देता था. वो अलग बात है, सेक्शन 90 की वजह से आज भी
अगर जिस ट्रीटी में इक्विपमेंट रॉयल्टी नहीं है वहां पे इक्विपमेंट रॉयल्टी पे कोई टैक्स नहीं देता, बेशक डोमेस्टिक लॉ में इक्विपमेंट रॉयल्टी का क्लॉज है। पर ध्यान रखना, अगर इक्विपमेंट रॉयल्टी नहीं है तो इंडिया उसको किस कैसे टैक्स कर सकता है? इंडिया बोलेगा ये बिजनेस इनकम है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई रॉयल्टी नहीं है तो सबसे सेकंड स्टेप पे जाना बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम पे जाओगे, असर्टेन करना पीई है या नहीं है। पीई है तो इंडिया एट्रिब्यूटेबल इनकम 40%, नहीं है तो जीरो टैक्स। एक सबसे बड़ी चीज, इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। मान लो कि आपकी पेरेंट कंपनी इंडियन सब्सिडरी को एक इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रही है, तो उसका क्या मतलब है कि उस पर रॉयल्टी लग जाएगी? नहीं, इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो, हर इंफॉर्मेशन पे रॉयल्टी नहीं होती। इंफॉर्मेशन डिफाइन नहीं की हुई डोमेस्टिक लॉ में। इंफॉर्मेशन का एक सर्कुलर आया था 1976 में, जब ये रॉयल्टी की डेफिनेशन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में आई थी, सीबीडीटी सर्कुलर 202, 5 जुलाई 1976। उसमें वो बात करता है कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी डेटा और एनी डेटा सेट और एक्सेट्रा, ये हम इंफॉर्मेशन मानेंगे। तो इस पे डेटाबेस वगैरह की चीज़ें आ सकती हैं कि अगर आप डेटाबेस एक्सेस ले रहे हो तो वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में आ सकता है। हम आगे सर्ट केस स्टडीज में कवर करेंगे ये सब। इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट मैंने आपको बताया डोमेस्टिक लॉ में है, ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन डिलीट कर चुका है। सेक्शन 44BB डोमेस्टिक लॉ में है, आपको सबको पता होगा, कोई भी नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो कि उन इक्विपमेंट से रिलेटेड है जो प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल्स से रिलेटेड है, तो उस पर हम बोलते हैं कि डीम्ड प्रॉफिट 10% मान लेंगे, और 10% पे आप 40% टैक्स रेट दोगे तो इफेक्टिव टैक्स रेट आपका 4.2% लगता है। तो 44BB जहां पे लग गया वहां पे आपको रॉयल्टी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 44BB को एक्सक्लूड किया हुआ है 91BII से। ये ध्यान रखना, ये आपको मोस्टली ऑयल एंड गैस सेक्टर में यूज होती हैं चीजें। जहां पे भी आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर की कोई टैक्स क्वेरी या फिर कोई टैक्स क्वेश्चन है वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं कि 44BB ध्यान रखना हमेशा बाहर रखी जाती है रॉयल्टी से। क्या हम इन अ नटशेल ध्यान रखने के लिए बोल सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेट आउट करोगे तो रॉयल्टी लगती है? हाँ जी, यस। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैंने इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करी, पेटेंट राइट, पेटेंट को यूज करने का राइट दिया, मॉडल दिया, सीक्रेट फॉर्मूला दिया, ट्रेडमार्क दिया, कोई भी इन्वेंशन दी, अगर मैं उनके उनके साथ में सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ इन कनेक्शन विद ऑल दीज एक्टिविटीज, तो वो भी रॉयल्टी है। पर इसमें इंसिडेंटल टू द मेन यूज को ध्यान रखना, इंसिडेंटल टू द मेन यूज रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। एक्सप्लेनेशन 456 फाइनेंस एक्ट 2012 में रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट करी गई। एक्सप्लेनेशन 456 क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लेके आए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम रॉयल्टी मानेंगे, पर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से अब ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो रिडंडेंट हो चुकी है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साफ साफ है कि पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट रॉयल्टी एट ऑल। 4, 5 and 6 पर्टेन्स टू दैट। पोजेशन ऑफ पोजेशन एंड कंट्रोल की बात करता है एक्सप्लेनेशन 5, और फिर एक्सप्लेनेशन 6 लाइकवाइज आपकी ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स थी। ध्यान रखना, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स हमेशा क्लैरिफिकेटरी इन नेचर होती हैं, वो आपको क्लैरिफाई करती हैं प्रोविजन को, हमेशा क्लैरिफिकेटरी इन नेचर होती हैं, कीप दिस इन माइंड। अब हम बात करते हैं ट्रीटी पर्सपेक्टिव। यूएस मॉडल कन्वेंशन मैंने आपको बताया, थोड़ा सा उसमें एक अलग पॉइंट है, वो कहता है कि अगर मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लेट आउट कर दी है पर आपने मेरे को कंसिडरेशन नहीं दी अभी, तब भी आप मेरे को रॉयल्टी के लिए टैक्सेबल हो, आप मेरे को रॉयल्टी देना शुरू करो सिंस डे वन। ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन में ये एलिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं है। अगर आप इंडिया यूएसए का डीटीडब्ल्यू देखोगे तो उसमें आर्टिकल में रॉयल्टी के आर्टिकल में पैरा 2 में ये चीज लिखी है, गेन्स और एलिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल एज रॉयल्टी। ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि डोमेस्टिक लॉ की रॉयल्टी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, बहुत वाइडर है, डेट इज येस। ट्रीटी की डेफिनेशन हमेशा नैरो होती है। हमेशा नैरो क्यों होती है? क्योंकि ट्रीटी बेनिफिट देने के लिए बनाई गई है। अगर मैं ट्रीटी की वाइड कर दूंगा तो ट्रीटी में सब कुछ जल जाएगा, तो नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट क्या मिलेगा? नॉन रेजिडेंट तो यही बोलेगा कि मुझे आप डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से टैक्स कर दो अपनी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, ट्रीटी में जाने का फायदा तो हो ही नहीं रहा। तो हमेशा 90% केसेस में क्या होता है कि ट्रीटी हमेशा आपको नैरो कर देती है डेफिनेशन, आपको स्कोप को नैरो कर देती है। यूएन मॉडल कन्वेंशन में अभी तक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट एक्सपीरियंस की बात की गई है, ओईसीडी में वो डिलीट कर गया 1992 में, और इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में इक्विपमेंट रॉयल्टी है, कब आई थी? 2001 में। अब यूज और राइट टू यूज,
क्या है, क्या वन टाइम यूज भी यूज में आ सकता है? क्या हम उसको यूज मान सकते हैं? वन टाइम यूज को भी हम राइट टू यूज मान सकते हैं? यूज कैसे माना जाएगा? देयर शुड बी यूटिलाइजेशन, देयर शुड बी एप्लीकेशन, देयर शुड बी यू नो काइंड ऑफ कि आप उससे बेनिफिट ले पा रहे हो, तो दैट इज काइंड ऑफ यू आर यूजिंग इट. अगर आपने खाली रखा हुआ है तो आप यूज थोड़ा ना कर रहे हो. सबसे बड़ी इसमें कॉन्सेप्ट है, हम बहुत पुराना पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन में भी तो यही पढ़ते थे ना कि एसेट पे डेप्रिसिएशन तब लगती है जब वो पुट टू यूज हो जाता है. तो रॉयल्टी भी हमें कब देनी है? जब हमें राइट टू यूज मिल गया है, राइट टू कीप मिल गया है. खाली आप अपना रख सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने पास, बट आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसमें से कोई रिट्रीव नहीं कर सकते कंटेंट, डेटा फॉर एग्जांपल, आप उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. तो आपके पास कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट आपके पास सिर्फ एक उसको रखने का राइट है, वो भी डैट इज नाममात्र के बराबर फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस रॉयल्टी थिंग. इक्विपमेंट रॉयल्टी ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप ये सोच रहे होगे इक्विपमेंट रॉयल्टी के ऊपर इतना एम्फेसिस है, वो इसलिए एम्फेसिस है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि इंडियन टैक्स अथॉरिटीज हमारे वेब सर्वर्स को, हमारे और तरीके की इक्विपमेंट्स को, वो बोलते हैं कि दीज आर दी इक्विपमेंट्स. तो अगर हम वेब सर्वर्स को भी इक्विपमेंट मान लेंगे, वेब टूल्स को भी इक्विपमेंट मान लेंगे, तो हो सकता है इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज उसको इक्विपमेंट रॉयल्टी की डेफिनेशन में ले जाए. तो हम इन इक्विपमेंट रॉयल्टी कब माने? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप लाइसेंसिंग अग्रीमेंट चेक करिए. इसके लिए लाइसेंसिंग अग्रीमेंट में देखिए कि फिजिकल पोजेशन कंट्रोल किसके पास है प्रॉपर्टी का, इक्विपमेंट का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट किसका है उसके अंदर, किसका रिस्क है. अगर मान लो कल को अगर आपका वेब सर्वर खराब हो जाए तो रिस्क आपका है या पेरेंट एंटिटी का है, आप उसको कंट्रोल किस हद तक कर रहे हो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल दैट द इंडियन रेजिडेंट पेयर हैज रिसीव्ड, और उसको कितना फ्रीक्वेंटली आप यूज कर सकते हो, आप उस पर कितना रेंटल वैल्यू दे रहे हो और उसका एक्चुअली में फेयर वैल्यू क्या है, क्या वो दोनों इक्वल है या एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंस है. ये सारी चीजें आपको देखनी है इक्विपमेंट रॉयल्टी की डेफिनेशन में उसको फॉल कराने के लिए. और अगर मान लो इक्विपमेंट रॉयल्टी नहीं है, नेक्स्ट स्टेप थंब रूल बिजनेस इनकम. बिजनेस इनकम तभी अगर पीई है, पीई नहीं है तो जीरो टैक्स. मैंने आपको बोला कॉपीराइट, अगर आप नोट करना चाहो तो ये चीज एक नोट कर लो, रॉयल्टी इज लेटिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, रॉयल्टी इज पेमेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है. दूसरी चीज नोट करने वाली ये है, ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट विल ऑलवेज बी रॉयल्टी, बट ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइटेड आर्टिकल विल नॉट बी अ रॉयल्टी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज इसको ध्यान रखो, ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट इज अ रॉयल्टी, ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइटेड आर्टिकल इज नॉट अ रॉयल्टी. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. जिसको ये दो चीजें समझ में आ गई उसके लिए रॉयल्टी टैक्स इजी हो गया आधा. ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट इज अ रॉयल्टी, ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइटेड आर्टिकल इज नॉट अ रॉयल्टी. अब हम ये कब माने, क्योंकि कॉपीराइट तो डिफाइंड है नहीं डोमेस्टिक टैक्स लॉ में, अब हम ये कब माने कि ये ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट हो चुका है? तो इसमें हम सेक्शन 14 में जाते हैं, इंडियन कॉपीराइट्स एक्ट 1957 में. उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज लिखी हैं, आपको कॉमन सेंस लगाना है. आप इस स्लाइड को मत पढ़ो, आप कॉमन सेंस लगाओ. अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी से ली है, आपने अगर ओनरशिप ले ली तो आप कॉपीराइट का ट्रांसफर आपने ले लिया, आपने उसको रिप्रोड्यूस करने का राइट ले लिया, कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का राइट ले लिया, आपने उसकी कॉपी बना बना के बेचने का राइट ले लिया, तो आपने कॉपीराइट ले लिया. अब आपने बुक स्टोर से किताब खरीदी, फॉर एग्जाम्पल आपने बुक स्टोर से किताब खरीदी, वो किताब एक्स वाई जेड ऑथर ने लिखी है, वो एक्स वाई जेड पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश करी है, आपने उसके 100 रुपये दिए फॉर एग्जाम्पल, या एक्स अमाउंट दिया, आपने वो बुक खरीद के आप घर पे ले आए, आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया, वो बुक आपकी है, वो आपसे बुक कोई मांगने तो वाला नहीं है, बट क्या क्या उस बुक की रॉयल्टी आपको मिलनी शुरू हो जाती है, या उस बुक की जो आपने 100 रुपये दिए हैं वो रॉयल्टी पेमेंट है? वो जो आपने 100 रुपये की बुक खरीदी है वो रॉयल्टी पेमेंट थोड़ना है. रॉयल्टी पेमेंट तो ऑथर को जा रही है, आपने खाली बुक पढ़ने का राइट लिया है, राइट टू रीड द बुक लिया है, राइट टू यूज लिया है, आपने कॉपीराइट सोना ले लिया है, आपको कॉपीराइट थोड़ा ट्रांसफर कर दिया ऑथर ने या बुक शॉप वाले ने.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिमिलर फंडा लगाओ यहाँ पे, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन में सिमिलर फंडा लगाओ कि कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ क्या? अगर मैं किताब खरीद के लाया हूँ तो मैं किताब की कॉपियां बना बना के अपने दोस्तों को बेच सकता हूँ? नहीं, वो बोलते हैं डेट्स अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। आपने देखा होगा हर बुक के प्रीफेस पे या उससे पहले इंट्रोडक्टरी में ये लिखा होता है कि नो पार्ट ऑफ दिस बुक कैन बी रिप्रोड्यूस्ड और कैन बी रीसोल्ड इन एनी मैनर विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर। लिखा होता है ना, वो क्यों लिखा होता है? वो कॉपीराइट्स की वजह से लिखा होता है कि आपने कॉपीराइट नहीं ले लिया उसका, आपने खाली बुक पढ़ने का यूज करने का राइट लिया है, कॉपीराइट नहीं लिया आपने एसोसिएटेड विद द बुक। तो सेम फंडा ट्रांजैक्शंस में लगाओ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से। मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं कॉपी नहीं कर सकता, मैं कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता किसी भी तरीके के, जिस तरीके का मेरे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिला है मैं उसको सब लाइसेंस नहीं कर सकता। मतलब मेरे को अगर लाइसेंस मिल गया यूज करने का तो मैं आगे और लोगों को सब लाइसेंसिंग भी नहीं दे सकता। मैं उसको किसी और फॉर्म में रिप्रोड्यूस बांट बूट के उसको कहीं ना मॉडिफाई वगैरह करके कुछ नहीं कर सकता आगे। तो मैंने कॉपीराइट नहीं लिया है, मैंने सिर्फ कॉपीराइटेड आर्टिकल लिया है, कॉपीराइटेड आईपीआर लिया है, मैंने कॉपीराइट नहीं ले लिया। मैं कॉपीराइट जिस दिन लूंगा उस दिन मैं रॉयल्टी पे करूंगा, मैंने कॉपीराइट नहीं लिया तो मैं रॉयल्टी नहीं पे करूंगा। रिमेंबर दिस, दिस इज गोइंग टू सॉर्ट द रॉयल्टी थिंग फॉर यू। नाउ ई कॉमर्स वर्ल्ड, कनेक्टिविटी, हाई स्पीड बैंडविड्थ, वर्चुअल बिजनेस इज ऑन द राइज। अब अगर सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो लोगों के ओवरहेड कॉस्ट भी कम हो गए, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट भी कम हो गए, तो ये ई कॉमर्स में रॉयल्टी का क्या लिंक है? ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, ये सब इसमें रॉयल्टी कहाँ से आई? सबसे पहले समझो कि ई कॉमर्स क्या है। वी ऑल नो, अगर हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इट कम्स अंडर ई कॉमर्स, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, राइट? तो ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं इसमें? कि हम घर बैठे बैठे अमेजोन पे कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं उसकी साइट पे देख के और हमारे घर पे डिलीवरी हो जाती है, तो दैट्स इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर प्रोसेसिंग। और किस तरीके की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं आइए देखें, ट्रांजैक्शंस इन डिजिटल वर्ल्ड, एंड देन आई विल लिंक द रॉयल्टी थिंग विद इट। डेटाबेस, अगर एक्सेस आपको मिल रहा है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि सेक्शन 14 में जो कॉपीराइट्स में, कॉपीराइट एक्ट में एक्टिविटीज लिखी हैं, क्या वो राइट्स पार्ट अवे हो गए हैं या वो राइट्स भी मैंने ले लिए हैं? अगर नहीं लिए तो वो रॉयल्टी नहीं है, अगर ले लिए तो वो रॉयल्टी है। सॉफ्टवेयर्स, इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बाद बहुत ज़्यादा इस जजमेंट के बाद ईजी हो गया है कि पेमेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर विल नॉट बी कैरेक्टराइज एज रॉयल्टी। अब इसमें भी फंडा यही लगा, अगर आप जजमेंट पढ़ोगे सेम फंडा लगाया गया है कि अगर मैं कॉपीराइट नहीं ले रहा तो मैं रॉयल्टी नहीं ले दूंगा, मैं कॉपीराइटेड आर्टिकल ले रहा हूं, कॉपीराइट जब लूंगा तभी रॉयल्टी दूंगा, कॉपीराइटेड आर्टिकल लेने की वजह से मैं रॉयल्टी नहीं दूंगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करते हैं, हमारे पास एक वो पूरा का पूरा वो आता है ना ऑनलाइन कैटलॉग टाइप्स, वी सी द वेबसाइट, वी गो थ्रू द प्रोडक्ट्स विच आई वॉन्ट टू यू नो टू बाय एवरीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर कर देते हैं और वो हम अपनी अमेजोन किंडल, हमारे किंडल में आ जाती है किताब ऑनलाइन फॉर्म में। डेटा वेयर हाउसिंग हमें मिलता है ड्रॉप बॉक्स गूगल का, जो अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जीमेल भी एक तरीके से आपका डेटा वेयर हाउसिंग ही है, बिकॉज यू स्टोर योर मेल्स देयर, यू स्टोर योर डेटा देयर ऑन द ड्राइव इन द मेल्स, बट दे ऑफर इट फ्री ऑफ कॉस्ट बट टू सम कैपेसिटी। उसके बाद जीमेल भी आपसे, गूगल भी आपसे पैसे मांगता है। डेटा रिट्रीवल, बहुत सारी ऐसी रिपोजिटरीज हैं जैसे imagesbazaar.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पे हर तरीके की इमेज मिलती है, तो वो एक रिपोजिटरी ऑफ इमेजेस है, वहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इमेज लेनी हो आप वहाँ से ले सकते हो। ऑनलाइन एड्स, एडवर्टीजमेंट आपके मिलते हैं जहाँ पे आप जो भी आप उस पर क्लिक करता है तो एक आपकी वेबसाइट पर चले जाता है, तो वेबसाइट पर जाने के बाद आपकी वो वेबसाइट देख सकता है, अगर आपकी वेबसाइट उसको अपील करती है, अच्छा लगता है, तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कस्टमर, अगर वो नहीं लगती तो वो वेबसाइट को क्लोज करके अपने घर चले जाता है। वेबसाइट होस्टिंग, अब GoDaddy है या WordPress है या यू नो देयर इज अनदर Wix, वो क्या करते हैं, आपको वेबसाइट होस्ट करते हैं आपकी,
तो वेबसाइट होस्ट करवाते हैं आपको, अपने सर्वर पे कुछ स्पेस दे देते हैं। अगर आपने वो सर्वर पे स्पेस ले लिया तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे रन होने लग जाती है। तो क्या वो आपको सर्वर पूरा यूज़ करने का राइट भी दे देते हैं? नहीं। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, OLX पे बहुत सारे लोग होते हैं, क्विकर, मल्टीपल सेलर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो आप देखते हैं कि इनमें रॉयल्टी कैसे फॉल करती है। कैरेक्टर, अगर मैं बोलता हूँ ना रॉयल्टी बनेगी नहीं बनेगी, तो उसका एक सबसे सही टर्म है, अप्रोप्रिएट टर्म इन द इंटरनेशनल टैक्स लैंग्वेज, कैरेक्टराइजेशन। यू नो वी यूज द टर्म कैरेक्टराइजेशन, ठीक है? कैन दिस बी कैरेक्टराइज्ड इन रॉयल्टी और नॉट? सो इट वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरेक्टराइज, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो सर्वर्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज, सो दैट इज वाई इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। एक इंटरेस्टिंगली एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, TAG रिपोर्ट बोलते हैं उसको, TAG टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप रिपोर्ट आई थी OECD की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिमिलरली आप पेमेंट कैरेक्टराइज अगर आपको करनी है रॉयल्टी में, तो आप सिमिलरली ये चीज़ देख लो कि आप कॉपीराइट को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, या कॉपीराइटेड आर्टिकल को यूज कर रहे हो। बात घूम फिर के कॉपीराइट पे आती है व्हेनेवर वी टॉक ऑफ रॉयल्टी। इंटरेस्टिंगली आप ये नोट करोगे, अप्रिशिएट करोगे कि कॉपीराइट को डोमेस्टिक लॉ में डिफाइन ही नहीं किया हुआ, जब कॉपीराइट इतना इंपॉर्टेंट है टू कैरेक्टराइज एनी पेमेंट एज रॉयल्टी। अगर मैं बोलता हूं कि मैं अमेजॉन किंडल पे कोई भी किताब डाउनलोड करके पढ़ता हूं, तो मैं खाली अपनी इंजॉयमेंट के लिए पढ़ता हूं, मैं किंडल से सेव भी नहीं कर सकता अपने सिस्टम पे। अगर इफ यू हैव यूज्ड किंडल, सो बाय अ बुक ऑन किंडल, और वो किंडल प्लेटफॉर्म पे किताब रहती है, बाय अ बुक ऑन टैक्समैन और टैक्स सूत्रा, वो वहीं पे ही रहती है, आप उसको सेव भी नहीं कर सकते अपने सिस्टम पे। मैं केस लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं बुक की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली जो टैक्स सूत्रा रिजर्वायर करके उनकी एक लाइब्रेरी है, आपकी अमेजॉन किंडल है, वहाँ पे जो ऑनलाइन किताबें हैं, ऑनलाइन मटेरियल है, टैक्स रिलेटेड जर्नल्स है, वो सारी वहीं पे रहती हैं, आप वहीं पे लॉगिन करके वहीं पढ़ो, आप अपने सिस्टम में डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप अपनी इन्जॉयमेंट और खाली अपने यूज़ के लिए कर सकते हो, अगर आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और को दे दिया है, तो वो एक टाइम पे वही देख सकता है, आपके सिस्टम से वो लॉग आउट हो जाएगा। तो वो रॉयल्टी थोड़ना है, उसमें मेरे को क्या राइट्स मिल रहे हैं? जस्ट अ राइट टू यूज़, राइट टू यूज़ सिंपली, और वो भी सिर्फ अपने अपनी यूज़ के लिए, दैट्स इट। आई कैन नॉट एक्सप्लॉइट इट कमर्शियली, मैं उसकी कॉपियाँ बना बना के तो बेच नहीं सकता, मेरे को सू कर देंगे वो लोग। नाउ अनदर थिंग, अगर मैं अपने सिस्टम पे उसको डाउनलोड कर पा रहा हूँ और उसको आगे कमर्शियली एक्सप्लॉइट भी कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो रॉयल्टी बन जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल, नवनीत, आई टेक योर क्वेश्चन आफ्टर दिस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। सो सिमिलरली मैं उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर पा रहा हूँ, तो वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। अब अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते हैं, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से अगर आप कुछ भी मंगवाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो, पेमेंट करते हो COD या फिर बैंकिंग कार्ड वर्क की डिटेल्स डाल के, एंड द गुड्स गेट डिलीवर्ड एट योर एड्रेस। सो गुड्स आपने ले लिए, सिमिलर वो बुक वाला एग्जांपल याद करो कि अगर आपने किताब खरीद ली, तो क्या आपने किताब के कॉपीराइट्स भी खरीद लिए? नहीं। तो अगर आपने अमेजोन से गुड्स ले लिए, तो आप अमेजोन के IPR का भी आपने वो सब कुछ एक्सेस ले लिया अपने पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल गुड, तो इट वॉन्ट अट्रैक्ट रॉयल्टी पेमेंट। अगर आप अमेजोन को 100 रुपये दे रहे हो एक गुड के लिए, दैट्स नॉट रॉयल्टी। पर हाँ, आप अगर सिस्टम पे कुछ डाउनलोड कर रहे हो और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसकी कॉपीज बना बना के बेच रहे हो, तो दैट कैन कवर गेट गेट कवर्ड अंडर द रॉयल्टी। अब साइंटिफिक इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट की इंपॉर्टेंस और ये पॉइंट ध्यान से सुनना। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में है इक्विपमेंट रॉयल्टी का पॉइंट, OECD एम मॉडल कन्वेंशन में डिलीट हो चुका है, UN मॉडल कन्वेंशन में है। वेब सर्वर्स को हम इक्विपमेंट मान सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन एड इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे चलाता हूं, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, और मैं उनका क्या यूज कर रहा हूं? यू नो, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू कैन थिंक फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द रूम। आप चारों तरफ से कितना सोच सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। मैं उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए क्या मैं कुछ कंट्रोल ले रहा हूं? मतलब मेरे पास कुछ कंट्रोल करने का एक्सेस है, या फिर मेरे पास कुछ भी
यूज करने का है? नहीं, मैं खाली अपनी वेबसाइट को वहां पे उस लिंक से लोगों को पहुंचाऊंगा अपनी वेबसाइट तक। तो इट्स जस्ट अ क्लिक थ्रू इंप्रेशन रेट। तो अगर क्लिक थ्रू इंप्रेशन रेट है तो कैन इट फॉल अंडर रॉयल्टी? अब इसके लिए आपको जो मैंने ऊपर बताई थी, ये इक्विपमेंट को आप जब भी वेब सर्वर्स का जब भी चीज आप करोगे इन द डिजिटल वर्ल्ड, आपको ये चीजें चेक करनी है, हु इज द इन द फिजिकल पोजेशन एंड कंट्रोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास ही है, लिंक्डइन के पास है, मेरे पास तो है नहीं इक्विपमेंट का, उनके प्लेटफॉर्म का कंट्रोल तो उन्हीं के पास है। सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी किसका है? अब खाली अगर मेरी वो छोटी सी या कोई भी बड़ी सी एड चला रहे हैं उसकी वजह से जो वो लाखों एड और चला रहे हैं, मेरा तो इंटरेस्ट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट तो उन्हीं का है। रिस्क किसका है? मेरे को उन्होंने एक क्लिक थ्रू इंप्रेशन रेट या नंबर ऑफ क्लिक्स गारंटी अगर किए हुए हैं तो रिस्क किसका है? अगर वो नहीं आएंगे तो वो उन्हें वो उनका रिस्क है, मेरा तो रिस्क है नहीं ना। मैं तो पे कर चुका हूँ ऐड के लिए कि आई हैव पेड फॉर 1000 इंप्रेशंस, सो 1000 इंप्रेशंस हैज टू कम, दे आर गारंटेड टू मी। अब ये प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जो वेब सर्वर है, प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है जिसपे वो यू नो अंडरलाइन सॉफ्टवेयर ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो किसी और को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, खाली मुझे तो एक्सक्लूसिवली नहीं दे रहे। हाँ यस, मेरे अलावा और लोगों के भी तो एड्स चल रही होंगी, तो डेफिनेटली वो रॉयल्टी के डेफिनेशन में नहीं आएगा, बिकॉज एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, सब लाइसेंसेबल नहीं है, कमर्शली एक्सप्लॉइट मैं आगे नहीं कर सकता, खाली अपने लिए यूज कर सकता हूँ। पोजेशन उस वेब सर्वर का मेरे पास नहीं है, कंट्रोल उस वेब सर्वर का मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको रॉयल्टी में क्लासीफाई नहीं कर सकता। और अगर मैं रॉयल्टी में क्लासीफाई नहीं करूंगा तो क्या होगा? बिजनेस इनकम मानूंगा। बिजनेस इनकम मैं मान नहीं सकता जब तक पी ना हो, तो जब तक पी ना हो तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इस पे इक्वलाइजेशन लेवाए वाला एक पॉइंट आ जाता है, बट इक्वलाइजेशन लेवाए इज डिफरेंट यू नो एरिया, वो हम डिस्कस कर सकते हैं इफ द टाइम विल परमिट, अदरवाइज रॉयल्टी तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे आज। क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ा सुंदर टर्म, बड़ा ब्यूटीफुल सा टर्म है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग, क्लाउड इज आप कहीं से भी एक्सेस कर लो यार। आपके पास अपना एक एटीएम कार्ड है, आप हिमाचल घूमने गए, आपने एटीएम से 1000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल या एक्स अमाउंट विदड्रॉ किया, आपके विदड्रॉ करने से पहले एक एक्स अमाउंट का बैलेंस था, विदड्रॉ करने के बाद वो माइनस विदड्रॉल अमाउंट रिजल्टिंग आपका बैलेंस आ गया, आप 4 दिन बाद दिल्ली वापस आ गए या आप जहाँ रहते हैं वहाँ चले गए, यू अगेन वेंट टू द एटीएम टू विदड्रॉ सम मनी, तो वो आपको दिल्ली में भी वही बैलेंस दिखाएगा जो आपको हिमाचल में दिखा रहा था, बिकॉज एवरी डेटा इज गेटिंग स्टोर्ड ऑन क्लाउड। क्लाउड अगेन वन ऑफ द बेसिक एग्जाम्पल्स गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव इज नथिंग बट क्लाउड। आपके सिमिलरली यू नो योर गूगल ड्रॉप बॉक्स इज नथिंग बट क्लाउड। सो यू नो यू डू नॉट हैव टू हैव अ काइंड ऑफ अ फिजिकल स्ट्रक्चर। अगर मेरे मोबाइल में कुछ डेटा है, अगर मेरे मोबाइल में वो डेटा गूगल ड्राइव पे सेव्ड है, तो मेरे को मेरे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। मेरा मोबाइल कल को गुम भी जाए तो मेरा डेटा सेव्ड है क्योंकि वो ड्राइव पे पड़ा हुआ है, तो मैं ड्राइव का एक्सेस कहीं से भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे रॉयल्टी के इश्यूज आते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत तरह तरह की सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसे हम SaaS बोलते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जिसे हम IaaS बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जिसे हम PaaS बोलते हैं। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ एज अ सर्विस, तो सिमिलरली चेक करो कि सॉफ्टवेयर तो रॉयल्टी है नहीं, और फिर भी देख लो कॉपीराइट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा, और पता कैसे लगेगा कि कॉपीराइट ट्रांसफर हो रहा है? सेक्शन 14 में जाके जो एक्टिविटीज लिखी हैं उसको पढ़ो, और जो आपका लाइसेंसिंग अग्रीमेंट है आपके पर्टिकुलर जिस पे आप काम कर रहे हो उसको पढ़ो, तब आप अराइव करोगे इस डिसीजन पे कि आपकी रॉयल्टी है या रॉयल्टी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यार आपको पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे दिया, जहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एक्सपीरियंस वर्ड जहां पे भी दिखे वहां पे ये कंडीशन चेक करना ये जरूरी है। हु इज इन पोजेशन, हु हैज सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, हु बेयर्स अ सब्सटेंशियल रिस्क, हु यू नो एम आई द एक्सक्लूसिव सर्विस रिसिपियंट और नॉट। अगेन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अगेन नवनीत इसमें आपका क्वेश्चन कवर होगा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। अगर मैं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ खाली उसको, तो मैं खाली उसको एक डेटाबेस एक्सेस कर रहा हूँ, बट डेटाबेस को मैं आगे कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं उस डेटाबेस को आगे कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा,
तो वो रॉयल्टी की डेफिनेशन नहीं आएगा, बिकॉज ना तो मेरे पास पोजेशन है, ना कंट्रोल है, ना मेरे पास उसको कमर्शियल एक्सप्लॉइट करने के राइट्स हैं, ना तो मैं उसकी कॉपीज रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ. इट इज़ अ मियर सब्सक्रिप्शन विच आई एम गिविंग टू एक्सेस डेटाबेस. अब क्या होता है कि ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल डेटा सर्विसेज प्रोवाइडर है, बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करते हैं. ज़ोबा कॉर्प है, आपकी बहुत सारी कंपनी फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको. क्या वो इंफॉर्मेशन आप आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हो, आप आगे बेच सकते हो? आपको स्यू कर देंगे वो. फॉर एग्जाम्पल टैक्स सूत्रा, टैक्स सूत्रा से आप कुछ भी डाउनलोड करो, आप कोई भी केस लॉ डाउनलोड करो, उस केस लॉ में अगर आप देखना, यू आपने देखा ही होगा, नहीं भी देखा तो आप देखना, टैक्स सूत्रा या टैक्स मैन से आप कोई भी केस लॉ डाउनलोड करना जो डाउनलोडेबल है. उनके रिजर्वायर लाइब्रेरी से तो आप डाउनलोड कर ही नहीं सकते, जो बुक्स हैं वो आप अगर केस लॉ डाउनलोड करोगे तो आप एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे चुके हो टैक्स सूत्रा को, तभी आप केस लॉ लॉगिन करके डाउनलोड कर पा रहे हो. सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपने दिया, आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद उस डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा होता है टैक्स सूत्रा, पब्लिश्ड बाय टैक्स सूत्रा डॉट कॉम और डाउनलोडेड फ्रॉम टैक्स सूत्रा डॉट कॉम. ये देख लेना वाला लिखा होता है. टैक्समैन से निकालोगे तो उसके नीचे लिखा होगा डाउनलोडेड फ्रॉम टैक्समैन, या फिर टैक्समैन का वाटरमार्क आएगा पीछे, टैक्स सूत्रा में लिखा होगा डाउनलोडेड फ्रॉम टैक्स सूत्रा. ऐसे ही अगर आप ब्लूमबर्ग से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकाल रहे हो, आप सब्सक्रिप्शन तो दे चुके हो, वन टाइम सब्सक्रिप्शन यू हैव पेड, और दैट्स नॉट रॉयल्टी बिकॉज यू हैव जस्ट गॉट एक्सेस टू यूज द डेटा, टू रीड थ्रू द डेटा. यू हैव नॉट गॉट द एक्सेस टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट द डेटा, टू रिप्रोड्यूस द कॉपीज. सेक्शन 14 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट देखना बहुत जरूरी है इसमें. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी जो मैंने आपको बताया, 20 साल से लोग उसको रॉयल्टी मान मान के टैक्स लेते जा रहे थे. अब इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आया, उसके साथ 103 अपील्स थी, ये सारी कंपनीज थी लिखी हुई, IBM इंडिया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, GE, ह्यूलेट पैकवर्ड, एम्फेसिस. इन्होंने बोल दिया कि ये रॉयल्टी नहीं है, और अगर पी नहीं है तो आप इसको बिजनेस इनकम ही नहीं मान सकते. बिजनेस इनकम मानोगे भी तो पी नहीं है तो क्या एट्रीब्यूट करोगे? कुछ भी नहीं हो ही नहीं पाएगी एट्रीब्यूशन बिना पी के. आर्टिकल 7 में नहीं जा सकते ना, अगर आप आर्टिकल 5 में पी नहीं है तो आपकी. तो सिमिलरली इन्होंने बोला कि 91 VI में आपने एक्सप्लेनेशन 4 डाली थी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डाल दिया. अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में तो डाल दिया, और आप ट्रीटी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्ड कुछ कुछ ट्रीटीज में यूज नहीं हुआ था, तो उसको क्या मानते थे कि लिटररी वर्क. अगर आप इसमें जाओ ना, ये जो ट्रीटी पर्सपेक्टिव है, रॉयल्टी ट्रीटी पर्सपेक्टिव, तो OECD में क्या लिखा है, द टर्म रॉयल्टीज एज यूज इन दिस आर्टिकल मीन्स पेमेंट ऑफ एनी काइंड received as a consideration for the use of any copyright of literary. Copyright of literary लिखा है, copyrighted नहीं. Royalty तभी मानी जाएगी जब copyright transfer होगा, copyrighted article पर transfer होने पर royalty नहीं मानी जाती. तो हम क्या करते थे, computer software को literary work मान लेते थे. तो इसने क्या किया, इस जो ruling ने ये clarify किया कि ये royalty नहीं है. और finance act में जो 2012 में जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आई थी 1976 से, वो क्लैरिफिकेटरी नेचर थी, जैसे सारी क्लैरिफिकेटरी होती हैं. और इन्होंने सबसे अच्छी बात करी कि जब आप विदहोल्डिंग लाइबिलिटी नहीं, आप इम्पोज नहीं कर सकते, सॉरी इम्पोज नहीं कर सकते टैक्स पेयर पे, जब वो पेमेंट के टाइम पे प्रोविजन था ही नहीं. एक्सप्लेनेशन 4 का जो सॉफ्टवेयर है वो 2000 से लेके 2012 तक था ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं है. तो हाउ कैन अ डिपार्टमेंट कम कि मैं एक्सप्लेनेशन 4 डाल दूंगा 2012 में, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दूंगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द टैक्स पेयर टू डू द इम्पॉसिबल. यार मुझे तो पता ही नहीं ना कि 5 साल बाद इनकम टैक्स में कौन सा प्रोविजन डाल देंगे ये, और मैं तो आज की पोजिशन पर टैक्स दूंगा ना. तो सिमिलरली वो टैक्स पेयर के फेवर में गया. ऑल्सो इसमें OECD कॉमेंट्री, OECD सॉफ्टवेयर की बात नहीं करता ना, मैंने आपको दिखाया OECD मॉडल कन्वेंशन में हम उसको इंडियंस लिटररी वर्क में सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करते थे. उन्होंने बोला OECD कॉमेंट्री में हमने सॉफ्टवेयर वर्ड को मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप उसको लिटररी वर्क में मान लेते हो और ट्रीटी में इन्वोक करके आप टैक्स ले लेते हो रॉयल्टी मान के. बट इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम OECD कॉमेंट्री नहीं मानेंगे, हम OECD कॉमेंट्री मानते ही नहीं है, हम अपनी ट्रीटी मानेंगे. तो ट्रीटी OECD मॉडल कन्वेंशन है, बट हाँ इसमें ये चाल ध्यान रखना, OECD कॉमेंट्री की परसुएसिव वैल्यू है,
OECD कमेंट्री इस जजमेंट में बताया गया कि OECD की कमेंट्री की परसुएसिव वैल्यू है. इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट से कि मैं OECD कमेंट्री नहीं मानती हूँ, मेरी रिजर्वेशंस हैं. इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि मेरी रिजर्वेशंस हैं. कुछ रिजर्वेशंस मतलब कि मेरे को उस पर कुछ मतलब मेरे को लगता है कुछ चीज़ें ठीक नहीं है तो मैं उस पर अपना राइट रिजर्व करता हूँ, मैं अग्री नहीं करता. तो वो बोलता है कि आप जितनी मर्जी रिजर्वेशंस रख लो, जब तक आप उन रिजर्वेशंस को ट्रीटी में इनकॉर्पोरेट नहीं कर लेते, उन रिजर्वेशंस की जीरो वैल्यू है. और जब तक वो रिजर्वेशंस की जीरो वैल्यू है, OECD कमेंट्री की परसुएसिव वैल्यू है. तो परसुएसिव वैल्यू के होने की वजह से भी ये सॉफ्टवेयर पेमेंट रॉयल्टी नहीं मानी जा सकती. अब एक छोटा से दो क्वेश्चन, मान लो कि पहले रॉयल्टी पे टैक्स लग चुका है और कंपनीज टैक्स दे चुकी हैं, अब ये 2021 में जजमेंट आई, पता लगा रॉयल्टी नहीं है, तो क्या हम रिफंड एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं? हाँ, मैं रिफंड एप्लीकेशन मूव कर सकता हूँ, पर अगर मेरी असेसमेंट चल रही है ऑलरेडी, तब तो मैं रिफंड एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता. तब मैं एडिशनल ग्राउंड्स बोल सकता हूँ कि आई वॉन्ट टू गेट द सम एडिशनल ग्राउंड्स एडमिटेड इन माई असेसमेंट इन माई सबमिशन. तो आप इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल ग्राउंड सबमिट कर सकते हो इस जजमेंट को. अब ये बात याद रखना, थोड़ी सी इक्वलाइजेशन लेवाई में इसमें कवर करूंगा. इक्वलाइजेशन लेवाई, अगर आपका रॉयल्टी क्लासिक करेक्टराइज हो गई है तो आपकी इक्वलाइजेशन लेवाई नहीं लगती. रॉयल्टी अगर क्लासिफाई नहीं हुई तो आपको EL देना पड़ सकता है. तो हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि इन पेमेंट्स पे आपको इक्वलाइजेशन लेवाई देखनी है. केस स्टडी वन, एक US की कंपनी है और एक इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर है. US की कंपनी ने इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दिए, किसी और को नहीं दी इंडिया में. वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दिए. मान लेते हैं कि US कंपनी एक IT कंपनी है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बेच के उन्होंने एक क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस मॉडल रन करती है. उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर को दिया. इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर आगे मार्केटिंग कर रहा है, अपनी कंपनीज को बता रहा है कि आप ये आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके अपनी वेबसाइट हमारे यहाँ होस्ट करा सकते हो. वेबसाइट होस्ट कराने के ये बेनिफिट्स हैं, इतनी कम पैसे हम आपसे लेंगे और ये आपको साथ में हम बेनिफिट्स देंगे. आपको हम आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, आपको वेबसाइट सपोर्ट देंगे, आपको हम डेमो देंगे, आपको हम आपकी वेबसाइट से जो भी ऑर्डर्स प्लेस होंगे हमारी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे करोगे पब्लिश, हम जो भी पेमेंट्स होंगे उस पे हम कम कमीशन चार्ज करेंगे और आपको हम इन 24 आवर्स आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देंगे. तो ये सब उसको मार्केटिंग कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन राइट खाली एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास है. तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर जो US कंपनी को पैसे दे रहा है, क्या वो रॉयल्टी है? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड एनीबडी कैन से. डोंट बी अफ्रेड, डिस्कशन होगा तभी हमारा आपस में यू नो विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस टॉपिक. एनीबडी कैन अनम्यूट एंड एनीबडी कैन प्रेजेंट हिज व्यूज हिज हर व्यूज. दक्ष, यू वांट टू से समथिंग? तो मैं इसमें आपको बताऊं, इसमें ये रॉयल्टी नहीं होगा. रॉयल्टी क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे रहा हूं. मैं आपके ट्रेडमार्क को या फिर मैं आपके ब्रांड नेम को या फिर मैं आपके यू नो प्रोसेस को, सीक्रेट फॉर्मूला को, पेटेंट्स को यूज करने का राइट या फिर एक्सप्लॉइट करने का राइट तो ले ही नहीं रहा हूं. मेरे को तो खाली डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल रहे हैं. तो ये इस केस में ये रॉयल्टी नहीं होगी. केस स्टडी टू, बताओ रॉयल्टी है या नहीं है. एक नॉन रेजिडेंट कंपनी ने इंडियन कंपनी को नॉन एक्सक्लूसिव, पहले केस में एक्सक्लूसिव राइट्स दिए थे, रॉयल्टी नहीं मानी थी. अब हम दे रहे हैं नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन ट्रांसफरेबल राइट एक्सेस करने का मेरी वेब एप्लीकेशन और उसके अंदर जो भी सारी की डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी सारे ट्रेडमार्क्स, याद रखना सारे ट्रेडमार्क्स, सारे पेटेंट्स, सारे कॉपीराइट, सारे के सारे ट्रेड सीक्रेट्स और ऑल बी अदर एस्पेक्ट्स मेरे ही रहेंगे, मैं उन्हें नहीं दे रहा. दे शैल रिमेन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ डेवलपर. मैं हूँ इस केस में US कंपनी डेवलपर. मैं ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके क्लाइंट का एजेंट बन गया हूँ या फिर मैं आपका एजेंट बन गया हूँ. मैं एक इंडिपेंडेंट पार्टी हूँ. मेरे प्लेटफॉर्म पर आप अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आई एल प्रोवाइडिंग यू दी सर्विसेज
सारे के सारे ट्रेडमार्क पेटेंट कॉपीराइट मेरे पास ही रहेंगे, ओनरशिप आपकी नहीं है, यू आर जस्ट यूजिंग द सर्विसेज ऑफ माई प्लेटफॉर्म, यू हैव द राइट टू एक्सेस माई प्लेटफॉर्म, राइट, यू हैव द राइट टू यूज माई प्लेटफॉर्म, बट आई एम नॉट योर एजेंट। मैं कभी कभी आपको कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी रियल टाइम अपडेट्स वगैरह आएंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको पूरे का पूरा अपडेट कर दूंगा, मैं पूरे के पूरे वो अपडेशंस कर दूंगा आपकी फीस में, आपकी पेमेंट जो आप मुझे दोगे। मैं आपको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे रन करना है चीज़ें या कैसे नहीं करना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या ये रॉयल्टी है? क्या जो पेमेंट इंडियन कंपनी बाहर वाली पेमेंट को कर रही है, क्या वो रॉयल्टी है? नवनीत इज सेइंग कि वो रॉयल्टी नहीं है। नवनीत, वो रॉयल्टी क्यों नहीं है? इफ़ यू कैन यू नो राइट इट इन दी यू नो चैट बॉक्स, और यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू आर एबल टू, सो वाई इट इज नॉट रॉयल्टी अकॉर्डिंग टू यू? ये रॉयल्टी इसलिए नहीं है बिकॉज मैंने आपको बार बार वही बताया कि सारे पेटेंट कॉपीराइट डेवलपर के पास है, मैं सिर्फ एक यूज कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। तो ये आपको कहाँ से देखनी है चीज़ें? अब आई विल समराइज द इंटायर सेशन। लाइसेंस अग्रीमेंट में राइट्स देखो आपको क्या मिल रहे हैं, उन राइट्स को कंपेयर करो सेक्शन 14 के कॉपीराइट एक्ट से, फिर आप देखो कि मेरी पी बन रही है क्या, मैं इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द पी, ये वाली सर्विसेज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, फिर उसके बाद आप देखो रॉयल्टी नहीं है तो क्या इक्वलाइजेशन लिवाई बन सकती है या नहीं। अगर आप इक्वलाइजेशन लिवाई पे जाओगे तो आपको वहाँ अलग चीज़ें देखनी है, वी कैन कवर इट अप इन द नेक्स्ट सेशन और द फोर्थ कमिंग सेशंस। और उसके बाद आपको ये देखना है कि मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ या मेरे पास कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, किस हद तक मेरे पास पोजेशन और कंट्रोल है। अगर कोई वेब सर्वर की बात हो रही है तो मैंने आपको वो कंडीशंस बताई हैं, पोजेशन और कंट्रोल चेक करो, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट चेक करो, रिस्क किसका है वो चेक करो, एक्सक्लूसिविटी ऑफ सर्विसेज है या नहीं वो चेक करो। सो दिस इज ऑल वॉट इज रिक्वायर्ड। अगर मैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे भी रहा हूँ तब भी वो रॉयल्टी नहीं हो सकती बिकॉज मैंने अपना राइट टू यूज ब्रांड नेम ट्रेडमार्क नहीं दिया है, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन राइट टू द इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर, वो रॉयल्टी की डेफिनेशन नहीं आ सकता। और अगर वो रॉयल्टी की डेफिनेशन नहीं आ रहा तो उसकी सेक्शन 115A में विदहोल्डिंग 10% उस पर टैक्स नहीं लगेगा, विदहोल्डिंग सेक्शन 195 में नहीं होगी, और अगर वो पी भी उसकी इंडिया में नहीं है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज द सेशन ऑल अबाउट taxation of royalties in digital world. Please give me your feedback कि आपको कैसा लगा, and thank you so very much for coming and investing your 1 hour with me on Sunday. Any question, मैं chat box में question पढ़ रहा हूँ और मैं धीरे धीरे इन सारे में उसका answer करता चले जाऊँगा। So first question is from Navneet, whether subscription of online database for a limited period through is royalty? It's not a royalty, it's a simply a subscription of online database, you have not got the rights to commercially exploit it. Again, ये हो सकता है कि कुछ आपको लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स में, मास्टर क्लाइंट सर्विस अग्रीमेंट्स में आपको कुछ चीज़ें मिलें जिसमें आपको पता लगे कि सेक्शन 14 के कॉपीराइट्स आपके आपकी फेवर में पार्ट अवे हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसको रॉयल्टी की डेफिनेशन में मान सकते हो, बट एट द आउटसेट इट इज़ नॉट रॉयल्टी। और इस पर आपको बहुत सारी जुडिशियल रूलिंग्स भी मिल जाएंगी। जसलीन का क्वेश्चन, वी मे ऑल्सो डिस्कस द लुक एट एंड लुक थ्रू ज्यूरिसप्रूडेंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर गॉजिंग whether a transaction may be regarded as royalty or not. Look at it, look through. Very nice terms, Jasleen. Good that these terms are coming from you. Look at and look through approach. Look at approach or look through approach ka simple matlab ye hota hai ki look through aap karoge jab aap substance of the transaction mein chale jaoge. A look at aap tab karoge jab aap substance of the transaction mein nahi ja rahe, aap khali form us transaction ka dekh rahe ho. To ye jo jurisprudence Supreme Court ne judgment mein diya tha, hum ye definitely dekh sakte hain. लुक थ्रू में आप इसमें लाइसेंस अग्रीमेंट्स को जो चेक करोगे दैट इज नथिंग बट लुक थ्रू ओनली। दिव्यांशी घंडेलिया, नॉन रेजिडेंट इज अ डिजाइनर बाय प्रोफेशन एंड प्रोवाइडिंग द डिजाइनिंग सर्विसेज एंड द सेम इज कवर्ड अंडर रॉयल्टी, ठीक है, बट व्हाई वी कवर दिस अंडर रॉयल्टी, व्हाई नॉट डायरेक्टली कवर्ड अंडर बिजनेस इनकम एज इट इज बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉर प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग। अगेन, आपको सेक्शन 91VI में रॉयल्टी एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन नहीं है, तभी रॉयल्टी की डेफिनेशन सेक्शन 2 में भी नहीं है। तो जो स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं आपको पहले वो देखना है। अगर इस नॉन रेजिडेंट की पी इंडिया में है और ये जो वो डिजाइनिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है वो इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द पी है, इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द पी मतलब
वो बिजनेस ही वही कर रहे हैं डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का, तो इसकी पी को एट्रीब्यूट आप करो और रॉयल्टी की डेफिनेशन में इसको आप नहीं लेके आ सकते, पर अगर उसकी पी नहीं है तो इसको रॉयल्टी की डेफिनेशन में लाना जरूरी बन जाएगा। और डिजाइन में ड्रॉइंग्स भी आती हैं, अगर वो कोई ड्रॉइंग्स बना के दे रहा है तो। ध्रुमिल, इट वॉज एक्सट्रीमली गुड सेशन, थैंक यू सो वेरी मच ध्रुमिल। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, मैं जाते जाते एक चीज पे आता हूँ आपको, इट इज रिलेटेड टू फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। रॉयल्टी के साथ एक फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज भी आता है, तो उसमें ना एक मेक अवेलेबल क्लॉज होता है, 91VII होता है रॉयल्टी का, 91VII होता है FTS का, तो उसमें एक मेक अवेलेबल क्लॉज आता है जो ट्रीटी कॉन्सेप्ट है। तो आप ये थंब रूल याद रखना, नो मेक अवेलेबल नो विद होल्डिंग, नो मेक अवेलेबल नो विद होल्डिंग। ट्रीटी हमेशा हमारे डेफिनेशंस को नैरो करती है, ट्रीटी हमेशा हमारे स्कोप ऑफ टैक्सेशन को नैरो करती है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रीटी बेनिफिट देने के लिए बनाई गई है, इसलिए। तो मेक अवेलेबल का मतलब ये होता है कि अगर यूएसए कंपनी ने इंडिया में कोई सर्विसेज रेंडर करी हैं और वो ऐसी सर्विसेज हैं जो कि वो यूएस एंटिटी सर्विसेज देके चली जाएगी, इंडियन रेजिडेंट अपने पर्सनल इंडिपेंडेंट सर्कमस्टेंसेज में भी वो यूज कर सकता है, बिल्कुल उसको जरूरत नहीं है यूएस की पार्टी की वो आए और वो पूरी के पूरी यू नो स्टेप्स अंडरटेक करे और वो सर्विसेज वैसे की वैसी करे। अगर वो उसको सिखा के चला गया है कि ये मेरे एब्सेंस में ऐसे ऐसे कर लेना और हो जाएगा, तो उसने सर्विसेज इंडिया में मेक अवेलेबल कर दी हैं, और मेक अवेलेबल कर दी हैं तो वहाँ पर विदहोल्डिंग आ जाती है। मेक अवेलेबल क्लॉज हर ट्रीटी में नहीं है, किसी किसी ट्रीटी में, यूएसए की ट्रीटी में मेक अवेलेबल क्लॉज है, तो ये ध्यान रखना हमेशा मेक अवेलेबल क्लॉज के बारे में व्हेनेवर वी टॉक ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इट इज नॉट रिलेटेड टू रॉयल्टी, इट इज रिलेटेड टू फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ध्रुमिल, आर यू टाइपिंग समथिंग? यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ लो। फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्टिव्स इन इंटरनेशनल टैक्स आफ्टर कंप्लीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो फाइन, फ्यूचर पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत ब्राइट है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक एंट्री टिकट मिल जाती है इंटरनेशनल टैक्स में घुसने की। इंटरनेशनल टैक्स में ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो इंटरनेशनल टैक्स की वैकेंसी निकालती है, हमेशा अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल टैक्स की वैकेंसीज निकलती हैं। तो आप ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में जा सकते हो, वो इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग में जा सकते हो, वो इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट होता है। आप उसमें आप टैक्स एडवाइजरी में जा सकते हो, वो इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट होता है। लिटिगेशन में जहाँ पे सारे के फॉरेन और एमएनसीज क्लाइंट्स होते हैं, वो भी आपका इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट होता है। एंड अब तो OECD पिलर वन एंड पिलर टू रिपोर्ट्स, अभी आज कंसेंसस मिल गया है, आज ही OECD की स्टेटमेंट आ गई है, तो वो उसके बाद आपको उसमें भी काफ़ी स्कोप है। बट OECD पिलर वन पिलर टू एक सर्टेन थ्रेश होल्ड ऑफ कंपनी, 20 बिलियन यूरोज की एक लिमिट है, उसके ऊपर वाली कंपनीज पे लगता है। तो आप उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आपको उस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में मीट करनी पड़ती हैं, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर आती हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल्स ओपन अप होती चली जाएंगी। और जैसे आपका क्रिप्टो करेंसी इज ऑन द राइज, क्रिप्टो करेंसी में जो टैक्सेशन एस्पेक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आते हैं व्हेन द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इज आउटसाइड इंडिया। तो CA बनने के बाद डेफिनेटली एक एज मिलता है। और मर्जर्स एक्विजिशंस टैक्स में आप जा सकते हो, वो भी इंटरनेशनल टैक्स का ही पार्ट होता है। ड्यू डिलीजेंस में जा सकते हो, टैक्स ड्यू डिलीजेंस में, वो भी इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट होता है। और डेफिनेटली इसमें एक और प्रोफाइल जो अभी ऑन द राइज आ रही है धीरे धीरे, वो आपकी आ रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर है, आप उसमें जा सकते हो। मेरे को अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम आपको बताऊंगा उसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड है। गवर्नेंस, हाँ, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लायंसेस चेक करने होते हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बढ़ गई हैं। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, अभी आपने पढ़ा होगा, अभी स्लम सेल की अमेंडमेंट्स आ गई हैं, मर्जर एक्विजिशन में आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक टाइम में पिछले 5 साल की मर्जर एक्विजिशन की डील्स को दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी इंटरनेशनल टैक्स का पार्टी है। और फोकस ऑन योर एग्जाम्स राइट नाउ, एंड साथ साथ में मैं ये बोलूँगा कि ऐसे प्रैक्टिकल सेशंस करने बहुत ज़रूरी हैं।
चाहे आप मेरे साथ करो, किसी और के साथ करो, ऐसे प्रैक्टिकल सेशंस करने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज दे गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू परफॉर्म इन एन इंटरव्यू, एंड दे गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल्सो कि आप अपने CV को कितना इम्प्रूव कर सकते हो. बिकॉज आप खुद सोचो कि जब हम आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं, जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा होता था, तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने सीनियर्स के पास जाता था पूछने के लिए, तो सीनियर्स कभी बिजी होते थे या सीनियर्स कभी बता देते थे या मुझे बोलते थे एक्ट उठा लो. हमारे ऑफिस में मैंने आर्टिकलशिप 1 year आई हैव डन इट फ्रॉम UI इन ऑडिटिंग, एंड अदर 2 years आई हैव डन इट इन टैक्सेशन फ्रॉम ASN Associates, विच इज़ अगेन अ टॉप 20 फॉर्म. राइट नाउ आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द लीडिंग फॉर्म्स इन इंडिया इन ट्रांजेक्शन एडवाइजरी. सो हमें बोल लिया जाता था एक्ट उठा लो, तो हम लाइब्रेरी में से एक्ट उठाते थे, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, उसको पढ़ते थे और फिर अपने सीनियर्स से जाके डिस्कस करते थे. बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो इन सेशन से पता लगती हैं. तो यू मेक श्योर यू कीप ऑन अटेंडिंग दीज सेशंस धूमिल, और ये चीज़ें बहुत आपको बेनिफिट देंगी. और वंस यू आर अ CA, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने की हैबिट डालो रोज़, उसमें टैक्स की जो न्यूज़ है ग्लोबल लेवल पे वो पढ़ा करो, Pillar 1, Pillar 2 और डिजिटल इकोनॉमी को फॉलो करो, बिकॉज आज से 2-3 साल बाद इनका स्कोप बहुत बढ़ जाएगा. हो सकता है 20 billion euros आज थ्रेशोल्ड है, तो 20 billion थ्रेशोल्ड रिड्यूस हो जाए और ज़्यादा कंपनीज इसमें कवर होनी शुरू हो जाए. यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर अनफोल्ड्स, बट यू जस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल टैक्स पर्सपेक्टिव. और यार फोकस रहो, आपको अगर इंटरनेशनल करना है ना तो इंटरनेशनली करो, फोकस रहो, बिकॉज अगर आप इफ़ यू जंप इन टू अदर यू नो अदर 2-3 things इज वेल, सो वहाँ पे फोकस हिलता है, और जहाँ पे फोकस हिलता है वहाँ पे क्वालिटी कम हो जाती है. और वन थिंग प्लीज़ मेक श्योर, कुछ भी काम करो क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम अपने काम के लिए ही जाने जाओगे अपने करियर में. सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी रोमिल, एंड थैंक यू फॉर दिस क्वेरी, इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेरी. एनीथिंग एनीबडी? हेलो, मैं बताता हूँ क्या होगा इसमें. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये मानना है कि इंटरनेशनल टैक्स में मैं जा सकता हूँ. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट CA फ्रेशर्स ये मानते ही नहीं है कि मैं इंटरनेशनल टैक्स में जा सकता हूँ या नहीं. पहले तो आप खुद मानो कि आप इस इंटरनेशनल टैक्स में जा सकते हो. यार 100% तो किसी को भी नहीं आता कुछ भी. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं आता. और 100% शायद कुछ ही लोग होंगे जिनको आता है जो बोल सकते हैं. मैं अपने बारे में बता सकता हूँ मुझे नहीं आता. तो पहले सबसे पहले सोचो जा सकते हो, फिर उसके बाद अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करो, नेटवर्किंग करो लोगों के साथ. जैसे यू आर कनेक्टेड विद मी, कनेक्ट विद यू नो पीपल हु यू नो, अभी जैसे नवनीत है, प्रियंका है, धूमिल है, इनके साथ एक नेटवर्क करो, ईशानी है. सो ऐसे पता लगता है कि कौन कौन सी इंटरनल ओपनिंग्स हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स कहाँ हैं. एंड ट्राई राइटिंग आर्टिकल्स. कोई भी नया टॉपिक आपको मिलता है उस पर रिसर्च करो. कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना, बिकॉज कॉपी पेस्ट आपके हो सकता है आपके दोस्त को पता ना चले, बट जो सीनियर है, जो आपका इंटरव्यू लेगा, जिसके पास 8-10 साल का 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो अगर कॉपी पेस्ट होगा तो आपका आर्टिकल पता कर लेगा कि ये कॉपी पेस्ट है, और वहाँ पर आप सारी की सारी जंग खा जाओगे. तो लर्न टू राइट. अगर इंटरनेशनल टैक्स में घुसना है, लर्न टू राइट फर्स्ट. आप ड्राफ्टिंग सीखो और ये देखो कि सेक्शंस को आप कैसे तोड़ सकते हो. 91VI रॉयल्टी पूरा बेयर एक्ट है, उसको कैसे तोड़ सकते हो, ट्रीटी को कैसे पढ़ सकते हो. अब ध्यान रखो कि अगर आप ट्रीटी पढ़ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वर्ड यूज़ होता है. तो जिसके आप रेजिडेंट हो तो रेजिडेंट की जगह आप वो कंट्री यूज़ करो. अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में आप जिस कंट्री के साथ देख रहे हो वो यूज़ करो. फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटीज़ के बारे में देखो. इक्वलाइजेशन लेवाइस से अपडेटेड रहो. M&A में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे अपडेटेड रहो. ट्रांसफर प्राइसिंग में जो बजट में अमेंडमेंट्स आती हैं उससे अपडेटेड रहो. Form 3CE भी निकालो इनकम टैक्स की साइट से, उसके क्लॉजेस पढ़ लो. ऐसे धीरे धीरे तैयारी करते रहो. एंड डेफिनेटली एडवाइजरी, FEMA, ट्रांसफर प्राइसिंग, एक्सपैट टैक्सेशन, टैक्स लिटिगेशन फॉर फॉरन MNCs, और इसमें सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग्स, और आपका इक्वलाइजेशन लेवाई तो आपका उसमें ही कवर हो जाता है एडवाइजरी में. ये सारी जहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स मिले, naukri.com पे कीवर्ड्स डालो, monster.com पे ये कीवर्ड्स डालो. और इंडस्ट्री में हमेशा डायरेक्ट टैक्स की जॉब मिलती है. इंडस्ट्री में कभी भी ऐसे जॉब नहीं निकलती इंटरनेशनल टैक्स की. इंडस्ट्री आपसे हमेशा डायरेक्ट टैक्स मांगती है.
तो आपको ये सब कीवर्ड सर्च करने पड़ेंगे, एंड जहाँ पे भी DTEE लिखा होगा जॉब रिक्वायरमेंट्स में, जहाँ पे भी लिखा होगा कि आपको फेमा देखना है, जहाँ पे पता लगा इनबाउंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स देखनी है, मर्जर एक्विजिशन, वो सारा आपकी इंटरनेशनल टैक्सी प्रोफाइल्स होती है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करो। सॉरी कम क्राइटेरिया सॉरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिथ है। और मैं सही बता रहा हूँ, ये मुझे PwC के पार्टनर ने बोला था जब मैं कॉलेज में था। मेरे को जब मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज से मैंने BCom ऑनर्स किया है, 2013 का मैं पास आउट हूँ, तो मेरे को भी यही लगता था कि रेगुलर कॉलेज होना चाहिए, अच्छी डिवीजन होनी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, तभी यू कैन वर्क इन एलीट प्रोफाइल्स, एलीट थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ ऑल अ मेंटल ब्लॉक। मैं तुम्हें गारंटी से बोल सकता हूँ कि 4 अटेम्प्ट में भी जो CA निकालते हैं, 5 में निकालते हैं, 3 में निकालते हैं, या जितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट में निकालते हैं, दीज अटेम्प्ट डजेंट मैटर व्हेन यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर। आप एक इंटरव्यू में फेल कर जाओगे, 2 में फेल कर जाओगे, 3 में कर जाओगे, 4th में नहीं करोगे। यार अल्टीमेटली भगवान सबका होता है, और कभी खुद को कम मत समझना दोस्त कि मेरे 4 अटेम्प्ट में है या 5 में या मेरे मल्टीपल है या मेरा रेगुलर कॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग रन में ये चीज़ें फ़र्क भी नहीं पड़ता। आज की तारीख में मैंने 2018 में CA क्लियर किया था, मेरे से कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे CA फाइनल में कितने मार्क्स थे, किन सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशंस थी, मेरे से कोई नहीं पूछता मेरे ग्रेजुएशन में कौन सी डिवीजन थी, मैंने कहाँ से की है। तुम खाली अपने काम के लिए जाने जाते हो, अपने अपने पैशन के लिए जाने जाते हो, तो ऐसा मेंटल ब्लॉक बिल्कुल मत रखना, और बस मेहनत करते जाओ। एंड इंटरव्यू में साफ बोलो, चाहे आप किसी भी Big 4 के इंटरव्यू में बैठे हो, किसी के भी इंटरव्यू में बैठे हो, वो आपसे अटेम्प्ट पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, तो उनको साफ बोल दो मेरे इतने अटेम्प्ट लगे हैं, मैंने एक ग्रुप में इतने लगाए हैं, एक ग्रुप में इतने लगाए हैं, अगर लगे हैं तो। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होना बाकी है तो आई जस्ट विश आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, बट इट इट्स नॉट इट डजेंट मैटर इन द लॉन्ग रन, इसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली तुम्हारा इंटरव्यू की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो। अब अगर तुम ऑडिट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और तुम्हें ऑडिट का मतलब ही नहीं पता, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे तो क्वेश्चन और वहाँ पे तो तुम्हारे ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस से हो या रेगुलर से हो फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये पता होना चाहिए कि किस इंटरव्यू में जा रहे हो, उस इंटरव्यू की तैयारी क्या है, दैट्स इट। ये सब इंटरव्यूअर नहीं पूछता कि तुम नहीं फर्क पड़ता कि तुम कॉरेस्पॉन्डेंस से हो या फिर किसी रेगुलर कॉलेज से हो। अब तुम अगर इंटरव्यूअर को अपने क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हो ना, तो उससे तुम्हारा पोटेंशियल पता लग जाता है। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ठीक है गाइस, रोमिल कुछ लिख रहे हो वैसे ही बोल लो। सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोमिल, इट रियली मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू गाइज, रियली मोटिवेट्स, एंड थैंक यू सो वेरी मच। एंड एनी काइंड ऑफ फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम, कोई भी क्वेश्चन हो फील फ्री टू यू नो DM मी, और फील फ्री टू जस्ट यू नो ईमेल मी, एनी क्वेश्चन फॉर दैट मैटर। एंड इट्स रियली लवली टू इंटरेक्ट विद यू गाइज ऑलवेज। हम अगला सेशन करेंगे बहुत जल्दी, और जो मैंने अभी फॉर्म में सजेशंस मांगे थे उसमें से कोई ना कोई टॉपिक हम उठाएंगे, तो वो भी हम प्लान करेंगे। थैंक यू ईशानी। ओके गाइज, आई जस्ट टेक योर लीव नाउ, हैव अ वेरी गुड संडे, एंड थैंक यू। आई फॉरवर्ड द प्रेजेंटेशन टू ईच वन ऑफ यू ऑन योर ईमेल्स, एंड प्लीज डू स्प्रेड अ वर्ड इन योर नेटवर्क इफ यू लाइकिंग इट समवेयर एंड एबल टू एड समथिंग इन योर इंटरनेशनल टैक्स परस्यूट्स और टैक्सेशन परस्यूट्स। थैंक यू सो वेरी मच, बाय।